बिग बॉस सीजन 17 की कंटेस्टेंट की लिस्ट में मुनव्वर फारूकी का नाम शामिल है। टीवी और फिल्म जगत से आए स्टार्स के बीच कॉमेडियन ने भी अपनी एक अलग जगह बनाई है। बिग बॉस सीजन 17 के घर में मुनव्वर फारूकी व्यूवर्स को एंटरटेन भी कर रहे हैं और शो में बराबर स्पॉटलाइट में भी बने हैं। अब कॉमेडियन ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है। मुनव्वर फारूकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जाने जाते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ पहली बार पब्लिक के सामने आई जब उन्होंने ओटीटी रियलिटी शो लॉकअप में हिस्सा लिया था। इसमें कॉमेडियन की टूटी हुई शादी भी शामिल सामने आ गई थी। बिग बॉस सीजन 17 के घर में मुनव्वर फारूकी ने अपने बेटे और एक्स वाइफ को लेकर बड़ी बात की है। कॉमेडियन ने नील भट्ट से अपने बेटे के बारे में बात की और बेहद इमोशनल हो गए। मुनव्वर फारूकी ने एपिसोड में खुलासा किया कि उनकी एक्स वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो ऑफिशियली शादीशुदा है। मुनव्वर फारूकी ने बेटे के बारे में बताते हुए कहा कि अब बच्चे की कस्टडी उनके पास है। पिछले कई महीनों से वो उनके साथ रह रहे हैं और उससे इतना जुड़ गए हैं कि बिग बॉस में उनकी उन्हें बहुत ज्यादा याद आती है। मुनव्वर फारूकी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में एक्स वाइफ को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा कि वे अब एक्स वाइफ के साथ टच में नहीं है और सिर्फ बेटे से ही बातचीत करते हैं। मुनव्वर फारूकी पिछले काफी समय से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिला सितेशी को डेट कर रहे हैं। उन्होंने साल 2022 में अपनी डेटिंग के बाद ऑफिशियल कर दी थी। मैं आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी एक बहुत ही बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं और साथ ही साथ वो एक बहुत ही अच्छे राइटर पोएट भी हैं। उनकी तमाम शायरियां काफी ज्यादा हिट हो जाती हैं। फिर बिग बॉस के घर में भी देखा गया है कि बिग बॉस कई बार उन्हें कहते हैं कि किसी भी मोमेंट पे वो अपनी कुछ चंद लाइनें बिग बॉस को सुनाए, जिस पर मुनव्वर फारूकी भी ऑन स्पॉट अपनी लाइन से बिग बॉस को खुश कर देते हैं। वेल, नॉमिनेशन टास्क हाल ही में हुआ है जिसमें कव्वाली थीम रखी गई थी। उस दौरान भी मुनव्वर फारूकी ने कव्वाली के थ्रू ही और अपनी खूबसूरत लाइनों के थ्रू ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को नॉमिनेट किया था। वेल, मुनव्वर फारूकी के इस रिश्ते के बारे में क्या आपको पहले से पता था या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।